की जाएंगी। माना जा रहा है कि मतुआ समुदाय के लोग इस बार कई सीटों पर हार जीत तय करने वाले हैं, क्योंकि बंगाल की 294 सीटों में 40 विधानसभा सीटों पर मतुआ समुदाय के लोगों की अच्छी खासी आबादी है। राज्य के जिन जिलों में मतुआ समुदाय के लोग चुनाव के नतीजों पर असर डाल सकते हैं उनमें नदिया, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना शामिल हैं। इन जिलों में बांग्लादेश से आए मतुआ समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन उनमें ज्यादातर के पास न अपनी जमीन है और न ही भारत की नागरिकता, और नागरिकता संशोधन कानून उनकी आखिरी उम्मीद है। लेकिन इस कानून से टीएमसी की मुश्किल बढ़ गई है, क्योंकि वो इसका विरोध कर रही है। ऐसे में उसे डर है कि मतुआ समुदाय के लोग बीजेपी के पाले में ना चले जाएं। तो वहीं बीजेपी की रणनीति ममता पर चौतरफा हमला करने की। परिवर्तन यात्रा को भी उसी रणनीति का हिस्सा कहा जा रहा है, क्योंकि इसके जरिए जेपी नड्डा के बाद अमित शाह ने ममता के खिलाफ मोर्चा खोला और उन्होंने कूच बिहार में परिवर्तन यात्रा के चौथे चरण की शुरुआत की। परिवर्तन यात्रा की शुरुआत लगातार हो रही है पश्चिम बंगाल में, और कूच बिहार की जो परिवर्तन यात्रा है वो गृहमंत्री अमित शाह ने यहां पर शुरुआत की है, जिसके बाद उन्होंने एक रैली को संबोधित किया और ममता सरकार को घेरने के लिए जय श्री राम के नारे का मुद्दा उठा दिया। ये बंगाल के अंदर माहौल ऐसा कर दिया, जय श्री राम बोलना माने गुनाह है। अरे बंता दीदी, बंगाल में जय श्री राम नहीं बोला जाएगा तो कहां पाकिस्तान में बोला जाएगा क्या? वो यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने वहां मौजूद जनता में उत्साह भरने के लिए जय श्री राम के नारे लगवाए भी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और गगन भेदी नारा लगाइए, जय श्री राम, जय श्री राम। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में जय श्री राम के नारे लगने के बाद ममता बनर्जी भड़क गई थी, जिसके बाद से बीजेपी उन पर लगातार हमले कर रही है। और अमित शाह ने भी उसी ओर इशारा करते हुए ममता बनर्जी को जमकर घेरा। कूच बिहार की रैली में अमित शाह ने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का भी जिक्र किया और ममता पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। मोदी सरकार गरीब कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, ममता सरकार भतीजे कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उनका दिन रात ध्यान एक ही चीज में है कि कब मेरा भतीजा मुख्यमंत्री बन जाए। जिसके बाद ममता बनर्जी ने अमित शाह पर पलटवार किया और उनकी भाषा शैली पर सवाल उठा दिया। तुरंत क्षमता और उपचेष्टा करे जानो शारीरिक भावे धमकानी दीते हैं। अमित शाह 30 और 31 जनवरी को बंगाल जाने वाले थे, लेकिन दिल्ली हिंसा और इसराइल दूतावास के पास हुए धमाके की वजह से उनका वो दौरा स्थगित हो गया था। यूपी के बुलंदशहर से दहशत से भर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जहां एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग इतनी खतरनाक थी कि उसने चंद मिनटों में ही पूरी फैक्ट्री को अपनी आगोश में ले लिया और देखते ही देखते बेकाबू लपटे सब कुछ तबाह करने को आमादा दिखी। सुलगती फैक्ट्री से आग और धुएं का गुबार आसमान की ओर उठता दिखाई दिया। फैक्ट्री का हर हिस्सा आग और धुएं में घिरा नजर आया। भीषण आग को देखकर इलाके में अफरा तफरी भी मच गई। बहुत तगड़ी आग है भाई साहब, बहुत तगड़ी आग है। इतनी पब्लिक होती है। ऐसे में आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिशों में जुट गई। आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने में कई घंटों का वक्त लग गया। तब तक फैक्ट्री में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो चुका था। हालांकि यह आग कैसे लगी इसका अभी तक पता नहीं चल पाया।